कोविड-19 ने जहां लोगों के रहन सहन के तौर तरीकों में बदलाव किया है, वहीं अब प्रदेश की सीमाएं सभी के लिए खुलने के बाद कांगड़ा जिला में चल रहे कई होटल भी ऑनलाइन हो गए हैं। कई नामी होटलों ने अपनी अपनी ऐप लॉन्च कर दी है। ऐप से ही सैलानी होटलों में चेक इन चेक आउट कर रहे हैं। प्रदेश सरकार की ओर से सभी सीमाएं खोलने के लिए लिए गए फैसले से होटल व्यवसाय से जुड़े कारोबारी खुश हैं। महामारी से निपटने और बचाव के लिए जिले के कई होटलों ने खास व्यवस्था की है। होटलों में कमरा देते समय मांगे जाने वाले दस्तावेजों को भी होटल व्यवसायियों द्वारा व्हाट्सएप के जरिए लिया जाएगा। वहीं पर्यटकों और उनकी गाड़ियों को पूरी तरह से सैनिटाइज करने की व्यवस्था भी होटल मालिकों ने की है। पर्यटन विभाग जिला कांगड़ा की उपनिदेशक सुनैना शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को जिला के सभी होटल एसोसिएशन को ईमेल से भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग द्वारा होटलों के लिए एसओपी को लेकर एक ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल विभाग द्वारा बनाया गया है और उसमें होटलों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है ताकि होटलों के खुलने पर कर्मचारियों को ये पता रहे कि किस प्रकार एसओपी का पालन करना है और किस प्रकार खुद को और पर्यटकों को कोविड-19 से बचा कर रखना है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा एक बैच को ऑनलाइन ट्रेनिंग दे दी गई है और शेष बचे होटलों को भी ये ट्रेनिंग दी जा रही है। देखिए, इसमें बहुत ही विस्तृत SOPs हैं जो केंद्र सरकार द्वारा दिए गए थे। उन SOPs को जो है सभी को समझाया गया है। सभी होटल एसोसिएशन वालों को वो SOPs वितरित किए गए हैं। जो भी उनकी समय समय पर क्वेरीज रहती हैं उसके रिगार्डिंग, उनका भी हम समाधान करते हैं। हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है काफ़ी होटल्स को जो है उनके एम्प्लॉयज़ को ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से उनको इनके बारे में जानकारी दी गई है और इसी तरह की कुछ और ट्रेनिंग्स भी विभाग के द्वारा शेड्यूल्ड हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी SOPs हैं और किस तरह से उन SOPs का पालन करना है उसकी विस्तृत जानकारी सभी को दी जाए ताकि वो अपना भी बचाव कर सके और आने वाले यात्रियों का। होटल व्यवसाय को दोबारा चालू करने पर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन धर्मशाला के अध्यक्ष अश्मी बाबा ने प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिले के निजी होटलों में सीमाएं खोलने के साथ ही पर्यटक आना शुरू हो गए हैं, साथ ही बुकिंग का दौर भी शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में ये रफ्तार धीमी है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही आगामी वीकेंड पर होटलों में 20-25% तक ऑक्यूपेंसी दर्ज की जाएगी। उन्होंने कहा कि पर्यटकों द्वारा होटल के चेक इन प्रोसेस को ऑनलाइन करवाया जा रहा है और पर्यटकों के दस्तावेजों और पेमेंट को भी ऑनलाइन किया जा रहा है। अश्विनी ने कहा कि पर्यटन विभाग की SOP का पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यटन से जुड़े लोग बहुत खुश हैं और इससे धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी। उन्होंने कहा कि 6 महीनों के बाद ऑनलाइन बुकिंग भी होटलों में शुरू हो गई है और पर्यटक बड़ी तादाद में हिमाचल आने के लिए उत्सुक हैं। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा हिमाचल सरकार का और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी का कि उन्होंने दोबारा होटल खोलने का एक सरकार जो निर्णय लिया है उसे ना केवल होटल व्यवसाय को फायदा होगा बल्कि हमारे जो कर्मचारी पिछले 6 महीने से घर में बैठे थे उनको एक बेरोजगार मिला है और इकॉनमी को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि 2 दिन हो गए हैं SOP के आए हुए सरकार के ऑर्डर को, थोड़ा बहुत इक्का दुक्का टूरिस्ट आना शुरू हुआ है, कल भी था और आज थोड़ा 2-4 आने शुरू हुए हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि जब तक लोगों का पता चलेगा और नेक्स्ट वीक तक टूरिस्ट ज़्यादा आना शुरू होगा, उम्मीद है कि 20-25% ऑक्यूपेंसी पर हम कुछ दिनों में पहुँच पाएंगे। रहा जो हिमाचल सरकार ने जो टूरिज्म डिपार्टमेंट में SOPs होटल्स के लिए बताई गई हैं, वो होटल इंडस्ट्री उसका पूरा सिंसियरली फॉलो कर रही है। जो भी SOPs हैं, लगे सैनिटेशन, चाहे वो हैंड ग्लोव का है, चाहे मास्क का है, चाहे लगेज सैनिटाइज करना का है, और जहाँ गाड़ी के जो गेस्ट की गाड़ी है, जहाँ जो बेसिकली जो टच पॉइंट्स होते हैं उनको एक प्रॉपर सैनिटाइज किया जा रहा है। चेक इन की 2 व्यवस्था हमने अपनाई है। अभी जो हमारे एस्टेब्लिश मेजर होटल्स हैं वहाँ पर हमने थ्रू ऐप ऑनलाइन चेक इन की एक व्यवस्था है और उसी में चेकआउट है और उसी ऐप के जरिए ही ऑनलाइन पेमेंट का है। हमारी कोशिश ये है कि कम से कम गेस्ट से कॉन्टैक्ट हो पाए और गेस्ट को कोई परेशानी ना हो।
हमारे जो छोटी होटल्स हैं वहाँ भी एक हमने थ्रू व्हाट्सएप का एक प्रक्रिया बनाया है कि गेस्ट अपने सारे डॉक्यूमेंट थ्रू व्हाट्सएप हमें भेजेगा और हम उसका चेक इन करके और खाली एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जनरेट करके और उसी के रूम में भेज के उसे साइन करवाते हैं। तो फिलहाल उम्मीद है कि आने वाले दिनों में टूरिस्ट आएगा हिमाचल की तरफ, सेफ एंड सिक्योर्ड टूरिज्म हम ये उम्मीद करते हैं। सर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जितने भी केसेस पिछले 6 महीनों से बढ़ रहे हैं वो केसेस टूरिज्म में नहीं हैं, वो केसेस इंडस्ट्रीज में हैं, ऑफिस में हैं, बैंक्स में हैं। आपने नहीं देखा होगा कि कहीं होटल्स के अंदर ये इशू आया, वो क्यों उसका कारण है? वो कारण यह है कि होटल हमारी वैसे भी काफ़ी सैनिटाइज होती है, लेकिन जब से कोरोना आया है हम बड़ा एक ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं सैनिटाइजेशन के ऊपर, और हमारा जैसे किसे बोलते क्लिनिकली क्लीन, हम उस स्टेज पे हैं अब कि जैसे आपका हॉस्टल्स के अंदर क्लीनिंग ऑपरेशन थिएटर क्लीन होते हैं, हम उस अकॉर्डिंगली अपने होटल को क्लीन कर रहे हैं। और हम ऐसा कोई भी जगह नहीं छोड़ रहे हैं कि जहाँ पर हमारा स्टाफ का सैनिटाइज ना किया हो। हम रोड स्टार्टिंग फ्रॉम ऑन द रोड, वहाँ से शुरू कर रहे हैं हम। रोड है हमारी, पार्किंग है हमारी, लिफ्ट है हमारी, रेलिंग्स हैं हमारे, टेलीफोन्स हैं हमारे, डोर के नॉब्स हैं, हम हर जगह कर रहे हैं। और जो गेस्ट आता है उसका प्रॉपर एक टेम्परेचर स्कैन होता है, चेक किया जाता है, अपरेंटली फिजिकली उसे वॉच किया जाता है। और गेस्ट से हम एक फॉर्म भी भरवाते हैं कि उसे कोई पिछले 10-15 दिन में कोई सिम्टम्स नहीं था। तो हम पूरी एक तसल्ली देते हैं हमारे गेस्ट को, हम बल्कि हमारे समाज को, हमारी सिटी को, कि हम एक स्वच्छ सेफ टूरिज्म को लेकर आए हैं, उसको अपनाएंगे और हमारे टूरिज्म की वजह से एक केस भी नहीं हम आने देंगे।